हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है कि धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आज धनतेरस को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करेंगे। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। आज का दिन विशेष है और इसका हर एक पल शुभ है। जहाँ तक पाठ पूजा की बात है तो यह पर्व माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो यह कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप अगर मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वी लोक आ गईं। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को विशेष स्थान पर रुकने को कहा। इसके बाद वो दक्षिण दिशा में चले गए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वे चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। उसके बाद वो एक किसान के सरसों के खेत में आई, जहां से उन्होंने सरसों के फूल का श्रृंगार किया। उसके बाद वे गन्ने के खेत में आई, जहां वे गन्ना चूस रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वहीं पर ही पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि जिस किसान के यहाँ कि तुमने चोरी की है, उस किसान के यहाँ तुम्हें 12 सालों तक उसकी सेवा करनी होगी और वहीं रहना होगा। और फिर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 सालों बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान उन्हें जाने से इनकार कर रहा था। तब विष्णु जी ने किसान से कहा कि जिन लक्ष्मी को बड़े बड़े ना रोक पाए, तुम क्या रोक रहे हो, हमें इन्हें ले जाने दो। फिर किसान बोला, नहीं, अगर ये चली गए तो मैं फिर से दरिद्र हो जाऊंगा। फिर लक्ष्मी जी बोली, अगर तुम घर को साफ करके एक तांबे के लोटे में पैसे भरकर मेरी पूजा करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इसके बाद किसान ने वैसा ही किया जैसा लक्ष्मी जी ने कहा था। और फिर क्या होना था, लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर हमेशा के लिए प्रफुल्लित रहा। थैंक यू।